खामडोस टोल को हटाने का मुद्दा एक बार फिर गरमाने लगा है। टोल के विरोध में मंगलवार को ग्रामीणों ने खामडोस टोल से जिला उपायुक्त कार्यालय तक करीब 16 किलोमीटर का पैदल मार्च निकाला। टोल हटाओ संघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर टोल प्लाजा पर पहले नारेबाजी की और बाद में गुरुग्राम का रुख किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की वादा खिलाफी और टोल प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ जमकर अपना गुबार निकाला। जो आपको पता है, पिछले काफी लंबे समय से हम इस टोल की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो घमरोज में टोल लगाया गया है एनएचआई के द्वारा। इसमें हमने कई बार धरना प्रदर्शन किए हैं। आज हम फिर मजबूर होकर गए, क्योंकि टोल कंपनियों ने एक आश्वासन दिया था कि बॉम्बे रोड चलने के बाद में हम आपके आसपास के इलाके को फ्री कर देंगे। अब उस बात से वो लोग मुकर गए हैं और इसमें बजाय हमें रियायत देने के टोल के रेट बढ़ा दिए गए, और जो लोगों के लिए पास इशू किए थे उनके लिए पास के रेट भी बढ़ा दिए गए, और जो लोग वहाँ आसपास में बलोक बासिंदे हैं उनके पास भी नहीं बढ़ाए जा रहे हैं, और जो रोड के ऊपर रास्ते छोड़े गए थे गाँव को जाने के लिए, उन रास्तों को, उन कटों को भी आहिस्ता आहिस्ता करके ये बंद कर रहे हैं। अभी इन्होंने धुनेला और बेरपा का कट बंद किया है, अब इसके बाद बादशाहपुर और सुभाष चौक का कट बंद करेंगे। इसलिए हमारी संघर्ष समिति ने फैसला किया था कि हम लोग जाएं और एक बार डीसी साहब के माध्यम से इनको बताएं, अगर ये सोना में जो लोगों हमारे साथ जाँचती हो रही है, आप हम 15-20 किलोमीटर में दो दो टूल जो हमारे ऊपर लगाए हुए हैं, ये बिल्कुल असंवैधानिक है, इस टूल को यहाँ से हटाया जाए। जब हिलालपुर में टूल चल रहा है तो इस टूल को भी यहाँ से हटाया जाए, इसलिए हमारे बीच में आए। लेकिन उससे भी दुर्भाग्य की बात यह है, जब हमारी कमेटी ने यहाँ मैसेज दे दिया था, इनको बता दिया था कई दिन से सोशल मीडिया के थ्रू, प्रेस के थ्रू, हमने ACP साहब को लिख के भी रिटर्न में दे रखा, मेरे पास वो कॉपी भी है, उसके बावजूद DC साहब का यहाँ ना मिलना ये उससे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और साथियों, मैं आपको इतनी जोर बताना चाहूंगा, प्रशासन ने आज सुबह से ही हमडोस टोल पर इतनी पुलिस लगा रखी थी जिससे लोग डर के मारे यहाँ लोग आए नहीं। हमारे सैकड़ों साथी बाहर रोक लिए गए, उनको आने नहीं दिया, और उसके बाद वहां से जो लोग पैदल आए उनको बादशाहपुर में ACP साहब ने रोक लिया। भरी दोपहर में 42 टेम्परेचर में उनको रोड के बीच में, तपते हुए रोड के बीच में बैठा कर रखा करीब 1-1.5 घंटा। और जो का VIP मूवमेंट चल रही है, हमें तो पता नहीं कहाँ थी VIP मूवमेंट, और उसके बाद में हमको 1.5 घंटा बैठाने के बाद फिर हमें दोबारा वहां से छोड़ा गया। और प्रशासन ने, आप देख रहे हो, यहाँ भी चारों तरफ रास्ते बंद किए, जो हमारे साथी जो आने चाह रहे थे, जो हमारे प्रेस के साथी या हमारे वकील साहिबान या और लोग जो हमारे साथ आए थे, उनको चारों तरफ से घेर कर ना गेटों में से अंदर नहीं जाने दे रहे, ना बाहर जाने दे रहे। ये हालत आज शासन प्रशासन की है, इसलिए हम लोग आए। आपने ज्ञापन सौंपा, आपको क्या कुछ आश्वासन? हमें अभी DDPO साहब आए थे, उनको ज्ञापन दिया, हमने उनको कहा एक हफ्ता का समय दिया है, या तो हमारी DC साहब से मीटिंग कराएं, वरना तो हम टोल संघर्ष समिति मजबूरन मीटिंग करके को बड़ा निर्णय लेंगे और फिर आर पार की लड़ाई लेंगे, फिर प्रशासन और DC साहब अपने आप आ जाएगा, वहां हमें आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल ग्रामीणों ने संघर्ष समिति के बैनर तले BDPO को DC के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन सौंप दिया है। उनका कहना है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ही विचार नहीं किया गया और टोल को ना हटाया गया, तो वो अपने आंदोलन को तेज करते हुए सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाएंगे। पंजाब केसरी TV के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।